Dear students, in the last video we have discussed up to question number 2 of exercise 6.5. Now other problems we will discuss. For example, question number 3. Here are 8 parts in question number 3. देखो जरा, मैंने इसमें से आपको ये थर्ड पार्ट करा चुका हूँ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2। तो हमारी वैल्यू इस इंटरवल में आपके पास कितनी आ जाएगी, π/4, और π/4 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ऐसे ही बिल्कुल ये सेम देखो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बिटवीन एक्स 0 to 2π। चलिए मैं एक इस टाइप की प्रॉब्लम लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट। हियर एफ एक्स इज गिवन x³ - 6x² + 9x + 15। आप स्टेप वाइज चलेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट f'(x) 3x² - 12x + 9। 4 मैक्सिमा और मिनिमा, f'(x) इज 0, इट मीन्स 3x² - 12x + 9 = 0। 3 से पूरे को डिवाइड कर दूं तो x² - 4x + 3 = 0। यू कैन फैक्टराइज इट, x - 1, x - 3। सो वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ x, 1 and 3। नाउ फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव f"x। f"x हाउ मच, 6x - 12। एट x = 1 f"x इज व्हाट, 6 - 12, इट मीन्स -6, विच इज नेगेटिव। आप जानते हैं जब नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। सो f(x) इज मैक्सिमम एट x = 1। एट x = सेकेंड वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। f"x को निकालिए तो दिखता है कि पॉजिटिव आ जाएगा, कितना, 48 - 12, 36, विच इज पॉजिटिव। सो f(x) इज मिनिमम एट x = 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखिए जरा, इसके पार्ट ही कर लेंगे आज आप, कई क्वेश्चन हैं इसमें तो सभी करके देखेंगे, कहीं डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। क्वेश्चन 4 भी ऐसा ही है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, f(x) कितना है बच्चों, e^(x) है। मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है तो पहले डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, f'(x) इज e^(x), e^(x) का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट कितना हुआ, e^(x). 4 मैक्सिमा और मिनिमा, पुट f'(x) 0, इट मीन्स e^(x) = 0। अब बच्चों बताओ, e^(x) 0 होने पर x की कोई रियल वैल्यू मिलती है क्या? सो वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल वैल्यू ऑफ x। सो द फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे इसका सेकेंड पार्ट आप देखेंगे तो लोग एक्स है, लोग एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों, 1/x। 1/x को 0 लिखोगे तो 1 0 तो नहीं होगा, इसलिए कोई भी x की आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम। देखो ये फिर से, ये ऐसे क्वेश्चंस आ गए आपके पास, इसमें भी 4 पार्ट हैं,
तो आप लोग इन्हें भी आज ट्राई करेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन फिर से दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। अब जीरो टू पाई में आपके पास कौन आएगा, पाई बाई फोर आएगा, तो पाई बाई फोर को आप चेक कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए तुम्हें सबसे पहले बता दिया था, और पार्ट इसके ये हैं, आप इससे चेक कर सकते हैं। तो वही डिफ्रेंशिएट करना, एक्स की वैल्यू निकालना। अब चलो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, ठीक है, तो ये भी आप कर पाएंगे आज। अभी मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करूँगा। एक चीज़ ज़रा देखो, इसमें नोट करना, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, इसमें x इक्वल टू थ्री पर जब वैल्यू निकाली, ये सिक्स थ्री जा कितना है बच्चों, 18। तो 18 माइनस 12 सिक्स होगा, पॉजिटिव होगा। आगे तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग थी। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस वन। प्रॉफिट फंक्शन इसमें बच्चों दिया पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। तो आप पहले वैसे ही डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पी डैश एक्स जीरो माइनस 72 माइनस 36 एक्स, फोर मैक्सिमा और मिनिमा, प्रोसेस वही रखेंगे सब में। पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो माइनस 72 माइनस 36 एक्स इक्वल टू जीरो, सो 36 एक्स इक्वल टू माइनस 72, एक्स इक्वल टू हाउ मच, माइनस 2। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटेड वी कैन फाइंड अ पी डबल डैश एक्स, पी डबल डैश एक्स इज माइनस 36 विच इज लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, और इट इज ऑल्सो लेस देन 0 फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो आप कह सकते हैं पी डबल डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 2, हेंस पी एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। हमसे क्या पूछा है इसका, इसने फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट फंक्शन है पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम है, एक्स इक्वल टू माइनस 2 पर, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया पी माइनस 2, 41 माइनस 72 इंटू माइनस 2 माइनस 18 इंटू माइनस 2 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 41 प्लस 144 एंड दिस इज 18 फोर जा 72 माइनस 72। 41 प्लस 144, 144 माइनस 72 तो 72 ही होगा, 41 प्लस 72 ऐसा कर सकते, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 1 4 11, फाइनली इट इज कितना 113। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा मेरे पास में 113। चेक करता हूँ जरा आंसर इसका, ठीक है बच्चों। तो इसका प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 113। क्वेश्चन सेवन, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वही प्रोसेस है, वही तरीका, आप कर लीजिए, इसे वाई मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए और निकाल लीजिए। चलिए, और जैसे ये क्वेश्चन नंबर इसका साइन 2x है, तो सिंपल है बिल्कुल, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में आपको करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, देखिए हर जगह साइन x प्लस कोस x, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये डिस्कस किया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पैटर्न का है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसी पैटर्न का है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी पैटर्न का है, आप कर सकते हैं। 13th जरा देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखिए टू नंबर्स हुज सम इज 24, लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स
x and y be two numbers. क्वेश्चन में आपको बताया कि दोनों का सम कितना है 4 और प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. तो प्रोडक्ट को मैं P से डिनोट कर दूं बच्चों. प्रोडक्ट कितना हो गया x इंटू वाई. अब आप देखो ये आपके पास इक्वेशन उसने दी थी कि दोनों का सम कितना है 4. तो मैं क्या करूंगा यहाँ से y की वैल्यू यहाँ नीचे रखूंगा तो x इंटू 4 माइनस एक्स. अब क्या हो गया ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर. आप बिल्कुल वैसे ही करिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x डी पी अपॉन डी एक्स. हाउ मच 4 माइनस 2x 4 मैगजिमा और मिनिमा डी पी अपॉन डी एक्स जीरो और यू कैन से 4 माइनस 2x इक्वल टू 0 2x इक्वल टू 4x इक्वल टू 2. नाउ सेकेंड डेरिवेटिव डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर यू कैन चेक माइनस 2 विच इज ऑलवेज नेगेटिव. सो प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम इट मीन्स एज लार्ज एज पॉसिबल एट x इक्वल टू 2. 2 पर भी ये क्या होगा नेगेटिव. सो प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल एट x इक्वल टू 2. ठीक तरीके से आप इसे कर सकते हैं और आज बस आप 15 तक के क्वेश्चन ट्राई करिए. ठीक है और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. थैंक यू.